अलैकुम रहमतुल्लाह तआला व बरकातुहू। मदनी कायदा का यह हमारा पार्ट नंबर 54 है और यह कुरान सीखने का हमारा पार्ट नंबर 82 है। ये नमाज का बयान चल रहा है और मैं अपनी जितनी भी किताबें मैं अभी तक पढ़ाया हूँ, जैसे कि चाहे बगदादी कायदा हो, चाहे नूरानी कायदा हो, चाहे असलन कुरान हो, चाहे मदनी कायदा हो, सब में नमाज का बयान है। तो सबको मैं पढ़ा दिया हूँ, तर्जमा भी कर दिया हूँ सब चीज़ का। अब इसमें भी है तो इसको इसी तरह भी इसको भी पढ़ा दे रहा हूँ ताकि ये भी मुकम्मल हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह है तस्मिया। तस्मिया का मतलब होता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसका हिजिया कर लेते हैं। ता सीन ज़बरदस्त, मीम या ज़िरमी, या हा ज़ब यह तस्मिया, बा सीन ज़िरबिस, मीम लाम ज़िरमी, लाम खड़ ज़बर ला, हा रा ज़िर हिर, बिस्मिल्लाह रा हा ज़ब रह, मीम खड़ ज़बर मा, नून रा ज़िर निर, रहमानिर रा ज़ब रा, हा या ज़िर ही, मीम ज़िरमी, रह रहीमी। ये इसका रवा होगा बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम। यहाँ आयत है इसलिए यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। तो ये हो जाएगा रहीम। ये है सूरतुल फातिहा। सूरह फातिहा जानते हैं आप किसको बोलते हैं? जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो है उसको सूरह फातिहा बोलते हैं, सूरह नूर बोलते हैं, सूरह शफा बोलते हैं, यानी उसके बहुत सारे नाम हैं। तो सूरह फातिहा मशहूर है, इसलिए आप सूरह फातिहा ही के नाम से इसको जाने। तो सीन वा पेश सू रा ज़बर ता लाम पेश तुल सूरतुल फा लिदर फा ता ज़िर ती हा ता ज़बर हत। आइए, जो ता है तो आपको कायदा मालूम है कि जिस जब ये कायदा ये जब ता आखिर में आए अब वहाँ पर हम वक्फ़ करेंगे, ये ता हा की सूरत इख्तियार कर। तुल फातिहा, ये है सूरह फातिहा। इसको पहले हिजे कर दे रहा हूँ फिर रवा पढ़ा दे रहा हूँ। अलिफ लाम ज़बर अल हाम मीम ज़बर हम दाल पेश दू अल हम दू लाम लाम ज़िर लिल लाम खड़ ज़बर ला हाज़िर हाज़िर ही लिल्लाही रा बा ज़बर रा बा लाम ज़िर बिल रब बिल आयन खड़ा ज़बर आ लाम ज़बर ला मीम या ज़िर मी नून ज़बर न आलमी न। लेकिन जब यहाँ पर आयत है और यहाँ पर हम रुक जाएंगे तो ये हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये साकिन हो जाएगा, समझ गए ना? आयत पर जहाँ भी रुकेंगे आखिरी वाला साकिन हो ही जाएगा, याद रखिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर हम रुक गए तो अब यह अभी इस अली पर कुछ है हरकत वरकत है ही नहीं, तो अभी इस अली पर हम लोग एक ज़बर देंगे और इसके बाद इसको पढ़ेंगे, इसलिए कि यहाँ पर तशदीद देती है। इसको मिलाने के लिए कुछ हरकत चाहिए ना, जब यहाँ पर हम रुक गए हैं। तो अगर नहीं रुके होते तो डायरेक्ट यहाँ से पढ़ लेते, नर रहमान रहीम पढ़ लिए होते। तो जब यहाँ पर जब तो इसको हम कहेंगे अलिफ रा ज़बर अर रा हा ज़बर रह मीम खा ज़बर मा नून रा ज़िर निर अर रहमानिर रा ज़बर रा हा या ज़िर ही मीम ज़िर मी रहीमी। लेकिन जब रुकेंगे तो होगा अर रहमानिर रहीम मीम खा ज़बर मा लाम ज़िर ली काफ ज़िर की मा ली की या वा ज़बर याओ मीम दाल ज़िर मिद दाल या ज़िर दी नून ज़िर नी यौमिद्दीनी मालिकी यौमिद्दीनी। और वहाँ पढ़ेंगे तो ये होगा मालिकी यौमिद्दीन। ये साकिन हो जाएगा, ये नून है ना, ये साकिन हो जाएगा। या ज़र ई या अलिफ ज़बर या काफ ज़बर का ई या का नून आयन ज़बर ना बा पेश बु दाल पेश दू ना बुदू वा ज़बर व अलिफ या ज़र ई या अलिफ ज़बर या काफ ज़बर का व ई या का नून सीन ज़बर नस ता ज़बर ता आयन या ज़र ई नून पेश नू नस ता ई नू। इसका रवा होगा इया का नअबुदु व इया का नस्तईन। ये साकिन हो जाएगा। अलिफ हाज़िर इह दाल ज़िर दी नून स्वाद ज़बर नस इह दी नस स्वाद ज़िर सी रा अल ज़बर रा ता लाम ज़बर तल सिरा तल मीम सीन पेश मुस मीम सीन पेश मुस ता ज़बर ता काफ़ या ज़र की मीम ज़बर म मुस्तकी म। और इसका रमा होगा इहदीन सिरातल मुस्तकीम। ये साकिन हो जाएगा। स्वाद ज़िर सी रा अलिफ ज़बर रा ता लाम ज़बर तल सिरातल लाम ज़बर ला ज़ार या ज़र ज़ी नून ज़बर न लज़ीन अलिफ नून ज़बर अन अन मीम ज़बर अम ता ज़बर ता अन अम ता अन ज़बर अ लाम या ज़बर लय हा मीम ज़िर हिम अलैहिम। रमा होगा सिरातल लज़ीन अन अम ता अलैहिम गैन या ज़बर गई रा लाम ज़िर रिल गई रिल मीम गैन ज़बर मक़दूद वा पेश दू बा ज़िर बी मक़दूबी ऐन ज़बर अ लाम या ज़बर लय हा मीम ज़िर हिम अलैहिम वा ज़बर वा लाम दूद ज़बर लद वा लद दूद अलिफ लाम ज़बर दाल लाम या ज़िर ली नून ज़बर न
ضالين, لیکن اس کا رواں ہوگا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ساکن ہو جائے گا, آمین. الف کھڑا زبر آ, میم یا زبر می, نون ساکن, آمین. تو اب اس کو اب رواں بھی پڑھا دیا, جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ہماری اسی یوٹیوب چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں.